हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी। दिस इज़ मी राहुल और आज हम देखेंगे जीएस पेपर 2 ऑफ यूपीएससी सीएसई 2023 मेंस। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉमेंट करना है कि कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर प्रीरिक्विजिट है फॉर डेमोक्रेसी का। तो सबसे पहले जुडिशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। तो गारंटीड कैसे है, जो आपके डिफरेंट प्रोविज़न है ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के प्रोविज़न है, चाहे आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 13 हो, या फिर इसके अलावा जो आर्टिकल है विद रेस्पेक्ट टू 121 वगैरह, जो बात करते हैं कि पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकती जुडिशरी की चीज़ों को। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है यहाँ पर, इस पर एक लाइन या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप ऐसे बता सकते हैं, फॉलोड बाई के कैसे ये चीज पर यहां पर प्रीरिक्विजिट है फॉर द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको यहाँ पर समझना है और इसको रिलेट करना है इंडिपेंडेंस को इन फीचर्स से। सो फॉर एग्जांपल, जब आप ये चीज़ बता चुके होंगे तो बॉडी में आप लिखेंगे कि कैसे ये प्रीरिक्विजिट है डेमोक्रेसी के लिए। और जब आप ये चीज़ बता रहे होंगे तो आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते समय चीज़ों का यूज़ करना है। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो आपको देती है सेपरेशन ऑफ पावर, और जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है, या लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट, और उसमें डेमोक्रेसी में दिस इज हाउ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आप कह सकते हो कि कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो अमेरिका में भी है, लेकिन जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो थोड़ी अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस है। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंस भी है यहाँ पर, जो आपको देखने को मिलता है जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट की जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव जो तरीके का जो नॉन इंटरफेरेंस है वो पॉजिटिव वे में होगा। तीसरा पॉइंट यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर करती है आपका माइनॉरिटी राइट्स को। और जब माइनॉरिटी राइट्स जो है, जिसका जो है मेनली हम देखते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स के जो गारंटी जो दी जाती है वो दी जाती है जुडिशरी के द्वारा। तो यहाँ पे जब माइनॉरिटी राइट्स को इंडिपेंडेंस और माइनॉरिटी राइट्स की बात होगी तो कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट होने से रोका जाएगा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ एक तरीके से सेकुलरिज्म, और फिर देन इट विल बी फॉलोड बाय डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से वो एक मेजर पॉइंट रहेगा। एंड देन यू कैन बेसिकली कमेंट दिया हुआ है, तो इस वजह से आप इसके पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद एक नेगेटिव कोरिलेशन दे सकते हैं कि कैसे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो नेगेटिव है विद रेस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको जुडिशियल ओवररीच की बात करनी है। पहला पॉइंट आपका जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, फॉलोड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कीवर्ड्स के आप यूज़ कर सकते हैं कि ये तो टायरनी है। टायरनी किसकी है, टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड, कि लोग यहाँ पे जो अनइलेक्टेड जजेस हैं दे आर नेविगेटिंग द पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कह के आप क्रिटिसाइज कर सकते हो जुडिशरी के रोल को इन डेमोक्रेसी। तो ऐसे करके आप निगेटिवली इसको लिख सकते हो, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड विद द मिडिल पाथ के यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म इज एज इम्पॉर्टेंट एज पार्लियामेंट्री सोवेनिटी। तो इस वजह से इंडिया की जो सोवेनिटी है वो ब्रिटेन से अलग है, और इस तरीके से कुछ आप लिखते हुए अल्टीमेटली डेमोक्रेसी जो इंडिया की है वो एक मतलब एक लिविंग डेमोक्रेसी है, और इट इज़ द इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन नंबर वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नालसा। तो नालसा जो आपको अगर याद है 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये वहाँ से एक तरीके से उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन है कि हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फ्री लीगल एड। अगर वैसे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन भी डेमोक्रेसी के और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच रिलेशन वाला प्रीलिम्स में आता रहता है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि यहाँ पे प्री का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मेन्स में इस बार देखने को मिला है। तो हु आर एंटाइटल टू रिसीव द फ्री लीगल एड, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल डिटेल्स पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो यू कैन सिंपली टॉक अबाउट वल्नरेबल सेक्शन, और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल सकते हो। अगर स्पेसिफिक पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा असेस द रोल ऑफ नेशनल, ये नालसा का, इन रेंडरिंग द फ्री लीगल एड इन इंडिया।
तो यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ, मैं रियल टाइम बेसिस पे एक तरीके से बता रहा हूँ कि आप रियल टाइम में कैसे आंसर करोगे। अदरवाइज गूगल करके ये मैं भी बता सकता हूँ कि कैसे ये रिसीव करते हैं, कौन कौन यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो PCS के लिए आप पढ़ सकते हैं, UPSC में ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को आप पर ही छोड़ रहा हूँ, आपके विजडम पर छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स बैक कम बैक टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है नेशनल लीगल नालसा की बात कर रहा है और फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिखने से पहले आप इस इक्वल फ्री लीगल एड की बात कर सकते हैं। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होना चाहिए आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका नालसा बनता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी बनती है उसके पैरेलल में यहाँ पे लोक अदालत मिलती हैं। और कहीं ना कहीं आप इसके बात करते हुए नालसा की जब बात कर रहे होगे तो आप यहाँ पे बताओगे कि इसके चीफ पैट्रॉन कौन है, इसको कौन क्या देखता है, इसके जो अलग अलग पब्लिकेशन नालसा के होते हैं, जो पब्लिकेशन यहाँ पे अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में काम आते हैं, और कैसे ये लोग एक तरीके से जैसे आपके अलग 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 जो होते हैं आरोग्य मित्र और वगैरह वगैरह टाइप के मित्र जो होते हैं, बैंक मित्र बैंक सखी, वैसे ही कैसे लीगल फील्ड में नालसा इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। और जब आपके पास कंटेंट खत्म हो जाए तो आप फ्री लीगल एड में लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो कि नालसा इज लुकिंग एट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लोक अदालत, या उस तरीके से सुपरवाइज करता है। और जब लोक अदालत की बात करोगे तो आ जाएगा पिक्चर में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जब आता आएगी तो यहाँ पे बात आ जाएगी कि कैसे ये बेटर है जो नॉर्मल जुडिशरी है उससे, कैसे ये पेंडिंग केसेस को सॉल्व करता है, कैसे ये कन्विक्शन को इंक्रीज करता है, और कैसे ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है रादर देन मेयरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, और कैसे ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी कॉस्ट कम होती है, इसका जो डिसीजन है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। इस तरीके की चीज़ें आप लिखते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। रिपीटेड क्वेश्चन है 2016-17-15 उस समय के उस जमाने में भी ये क्वेश्चन आया करता था जब प्रीलिम्स इतना ज़्यादा टफ नहीं होता था, तब भी ये आया करता था, आज भी ये मेंस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेंस उसी लेवल पे है, कहीं ना कहीं कम और हो गया लेवल, लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन जब बात होती है सेकेंड ARC यहाँ पे बात करती है 3 F's की। ये 3 F's आपकी GF नहीं है, ये फंड फंक्शन और फंक्शनरी है। तो ये वाली बात यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 3 F जो है वो रिपीट अगली बार भी हो सकता है आ जाए, तो ध्यान रखना है इसको। तो लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। तो स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली। तो सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ से आई, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई। पंचायत के बारे में नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है एग्जाम्पल में, वो चीज़ें अवॉइड करनी है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जब पेपर ईजी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनली और फाइनेंशियली की बात करनी है तो इंट्रोडक्शन में सिंपली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हुए अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर फ्लो चार्ट बनाने की इच्छा है तो यहाँ पे वो जो 8 टाइप की लोकल बॉडीज़ हैं वो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अंदर तीन तरीके की जो बॉडीज़ हैं वो लिख सकते हैं। तीन तरीके की बॉडी कौन सी थी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके अलावा जो म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटी है, और तीसरे नंबर पर जो नगर पंचायत है, ये आर्टिकल में गई हैं। अदरवाइज 8 टाइप की जो बॉडीज हैं जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड वो सब कुछ फ्लोचार्ट के फॉर्म में बना सकते हो, और इंट्रोडक्शन के बाद ये कनेक्टिंग डायग्राम बना सकते हो। ओके, देन लेट्स कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर दो बात हैं, फंक्शनली की और फाइनेंशियली की। फंक्शन के अंदर व्हाट यू हैव टू राइट, कि कैसे ये चीज, मतलब फंक्शन की प्रॉब्लम क्या है। फंक्शन की प्रॉब्लम बेसिकली आती है क्योंकि आर्टिकल ये जो हैं इसके 243 ओ के बाद 243 ZP तक के जो आर्टिकल हैं, ZG तक के जो आर्टिकल हैं वो बात करते हैं, उसमें अलग अलग बात होती है। उसमें एक होती है फंक्शन के डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन है इसके अंदर जो 29 और 18 फंक्शन है अर्बन लोकल बॉडी वाले जो 12 शेड्यूल वगैरह में हैं, उनको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज या डेलीगेट नीचे के लेवल पे नहीं किया जाता है। तो ये जब नहीं किया जाता है तो ये एक प्रॉब्लम है, और उससे लड़ने के लिए सेकेंड ARC ने कंक्लूजन क्या दिया है कि एक्टिविटी मैपिंग की ज़रूरत है। ये सब आपको कीवर्ड और ये मैपिंग के कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए। इसके अलावा फंक्शनली में एक चीज़ और हो जाएगी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एज अ
फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह होना चाहिए ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, बट दे आर एक्टिंग एज अ इंस्पेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, तो इस वजह से भी फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन में वो एक चैलेंज बन के सामने आ जाता है। तीसरा पॉइंट यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे आपका पैरास्टेटल्स होते हैं, ठीक है। पैरास्टेटल्स क्या है? पैरास्टेटल्स बेसिकली ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट सैनिटेशन कमेटी या इस तरीके की जो कमेटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, वो कमेटीज़ का जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और जो भी हैं ये वो लोग होते हैं। उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे फंक्शन जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास नहीं जा रहे, क्योंकि दे आर वर्किंग पैरेलल, इसलिए इनको बोलते हैं पैरा स्टेटस। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और ये जो इंजीनियरिंग के, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, बाकी सारे जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, वो सब पैरेलल में चलती हैं, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास पावर नहीं जा रही होती है। सेकेंड ए आर सी ने एक्टिविटी मैपिंग की बात करी थी, ये इसका सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड हो जाएगा। देन फाइनेंस की भी बात करेंगे, दूसरा चैलेंज फाइनेंस का है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वही है कि पैसे यहाँ पे, एक तो जो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती हैं, और क्योंकि बाइंडिंग नहीं होती हैं तो इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इवन अगर पावर दे दी गई है, जैसे किसी मैटर में अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास पावर है, बट इलेक्शन जीतने के चक्कर में पॉपुलिज्म की वजह से, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्शन तो कर ही रहे थे, यहाँ हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलिज्म। उस वजह से क्या होता है, ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करना चाहिए वो नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी इनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं होती है। और देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिमांड साइड पे तो है ही, लेकिन सप्लाई साइड पे पैसा नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और वे फॉरवर्ड या इसके कंक्लूजन में सेकेंड एआरसी ने इसका क्या सॉल्यूशन बताया है, तो सेकेंड एआरसी ने बहुत ही खुले शब्दों में बोला हुआ है कि फाइनेंस में जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है वो ये कायदे से लें, ठीक है, ये इनको बोला गया है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि भाई आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जो भी एक वो बनाते हो, जो भी आप लॉ बनाते हो स्टेट असेंबली में, जिसको भी पास करते हो लॉ को, उस लॉ के अंदर प्लीज़ ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस मेमोरेंडम के अंदर बात होनी चाहिए एक चीज़ की जिसका नाम होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीज़ बोली गई है, प्लस ये चीज़ भी बोली गई है कि जो भी आप लॉ वगैरह पास करते हैं तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर एक गाइडलाइन के तहत ये बताए कि कितना पैसा बजट के अंदर, ये बताए कि कितना पैसा जा रहा है अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज के पास। तो इस तरीके की गाइडलाइन जो है वो दी गई हैं, सेकंड एआरसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, और जो बात करता है ब्रिटिश और इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवेनिटी और ये कैसे अलग है, ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया की पार्लियामेंट्री सोवेनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे इंडिया और ब्रिटेन जो है वो सेम कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, मतलब वो जो कौन से जो पूरा एक हमने देखा है टेम्पोरल डायमेंशन, वहाँ से कहीं ना कहीं हमें पार्लियामेंट देखने को मिला है। इस तरीके से ओरिजिन बेस्ड इंट्रोडक्शन यहाँ पे बनता है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा बॉडी के अंदर सिंपल है कि आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, तो सीधी सी एक लाइन बनाएंगे और लाइन के इधर और उधर लिखेंगे इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पे बात जब बारे में लिख रहे होंगे तो सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में लिख दो, ब्रिटेन, और इधर लिख दो इंडिया के बारे में। तो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ब्रिटेन के अंदर जो चीज़ है वो पार्लियामेंट्री सोवेनिटी है, यानी यहाँ की पार्लियामेंट कहा जाता है कि इतनी पावरफुल है कि मैन को वीमैन और वीमैन को मैन में कन्वर्ट करने के अलावा सब कुछ कर सकती है, या तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसको कहीं कोट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बेसिकली ये कह सकते हो कि बहुत पार्लियामेंट जो है यहाँ की पावरफुल है। और इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया का जो है पार्लियामेंट उतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया हैज़ द जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी ऑफ ब्रिटेन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ यूएसए। तो इंडिया के पास दोनों का ब्लेंड है या दोनों का मिडिल पाथ है, इस वजह से ना पार्लियामेंट उतनी पावरफुल है ना जुडिशरी, दोनों के बीच में एक तरीके का ब्लेंड रहता है, तो इस वजह से पार्लियामेंट्री सोवेनिटी वर्सेस ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये हो जाएगा पहला बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस होगा, अब क्या होगा कि एक ही चीज़ पता है, अब इसी को एक्सटेंड करना है थोड़ा थोड़ा। तो पार्लियामेंट्री सोवेनिटी की जो बात करी है और इसकी जो बात की है, ये इसका सेकंड रीज़न जब बता रहे होगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है, कॉज क्या है, वाई ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, तो वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवेनिटी जो है वो
इस वजह से है क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है तो अनरिटन होने की वजह से द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे कोर्ट के पास कुछ ऐसा कॉपी पेस्ट का मैकेनिज्म नहीं है कि भाई देख लिया यहाँ से और यहाँ कहा कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है इसको हटा दो यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ होती है कि वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कुछ भी होता है तो कोर्ट सीधा कॉपी पे वो मतलब मैच करते हैं, कंट्रोल प्लस फाइंड पे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेस करते हैं और उन्हें मिल जाता है वो आर्टिकल, तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको कर देते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं तो कंट्रोल प्लस फाइंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये डिफरेंस है। तो रिटन और अनरिटन का जो डिफरेंस है वो यू कैन मेंशन, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट के यहाँ पे इंडियन अप्रोच और पार्लियामेंट्री सोवेनिटी का ये अंतर जो है वो तो आ चुका है। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट अदर पॉइंट्स इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आप जुडिशियल रिव्यू की बात कर सकते हैं, फिर एक बात कर सकते हो यूनिटरी वर्सेस फेडरल की, कि यहाँ पे एक सोवेनिटी ऐसी भी है कि पार्लियामेंट जो ज़्यादा सोवरेन इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ पे यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट सेंटर। अब सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो सेंटर में वो पार्लियामेंट में भी अगर हो जाएगी तो क्या ही उसमें हर्ज है। लेकिन इंडिया में क्योंकि फेडरलिज्म है यूएसए की तरह, तो यहाँ पे ना तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट सेंटर है, और जब सेंटर में ही कंसंट्रेशन नहीं है तो पार्लियामेंट में कहाँ से हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं उसका एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन राइट इज कि भाई ये वाला फेडरल वाला और यूनिटरी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एक तरीके से सोवेनिटी के अलग अलग हैं। सोवेनिटी का मतलब क्या है कि उनके पास एक तरीके से, एक हिंदी में बोलें तो संप्रभुता है, मतलब दे आर प्रभु ऑफ देम सेल्व, है ना, अपने गॉड हैं वो। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं होता। यू विल एनालाइज, यू विल सी कि वहाँ पे पीएम के अगेंस्ट उन्हीं के पार्टी के मेंबर बोल देंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव के अगर पीएम है वहाँ पे तो उन्हीं के पार्टी मेंबर किसी पॉलिसी का अपोजिशन कर देते हैं। लेकिन इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ है तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी उतनी, मतलब पार्लियामेंटेरियंस की उतनी सोवेनिटी और वो नहीं है, तो वो फिर उतना नहीं बोल सकते क्योंकि एडीएल लग जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, बाकी ये एक्सटेंशन बस किया गया है, आपको इसको यूज़ करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग द लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग द बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे बात हुई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ चेयरमैन या फिर आपके स्पीकर की बात नहीं हो रही, डेप्यूटी वालों की भी हो रही है, और जब बात करोगे तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की हो रही है। ये दो पॉइंट याद रखना, और बाकी फिर मेंटेनिंग ऑर्डर इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ये सिंपल सा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाएगी। और इसके अंदर जो भी आपका कंटेंट है कि कोरम डिकोरम रूल्स के जो गार्जियन इन ऑफ द हाउस इन द गार्जियन गार्जियन यहाँ पे होते हैं एक तरीके से, और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन और इवन अदर थिंग्स, वो जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन जब लिख रहे होगे तो आर्टिकल 179 ये मेंशन करना एक तरीके का इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं है उस टाइम, क्योंकि याद नहीं होता है रियल टाइम में, तो आप सिंपली वो चीज़ यूज़ कर सकते हो कि आर्टिकल 168 से लेके 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 5 टॉक्स अबाउट आपका स्टेट लेजिस्लेचर। फिर बाकी एग्जामिनर खुद इतना इंडिपेंडेंट है कि वो इसी में से ढूंढ पाए कि हाँ इसमें लिख दीजिए इंक्लूडिंग इट कंटेन दीज आर्टिकल्स कंटेन स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ज़रूरी भी नहीं है कि 179 याद करके जाएँ, ठीक है। तो ये तरीका आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड देन पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, एंड देन कैसे ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी इज़ द जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, तो कैसे ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, कैसे ये लोग जो होते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर्स वो करते हैं, कैसे ये लोग क्वेश्चन आवर वगैरह में आपको टाइम देते हैं मेंबर्स को अपनी जगह की बात रखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, और सिंपल है काफ़ी। एंड में यू कैन कंक्लूड कि अगर पार्लियामेंट जो है वो
इसके मतलब मेनली आप इसमें या तो कोई NCERWC की रिकमेंडेशन हो इसको इम्प्रूव करने के लिए, या वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बोला था कि कैसे इसको सही करें, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो जो इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठते हैं उस सवालों का जवाब कैसे दिया जा सकता है, इस तरीके से पॉजिटिव नोट पे कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट कि अगर डेमोक्रेसी में टेम्पल हैं, अगर ये टेम्पल है, अगर डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट अगर टेम्पल है, तो ये जो इसमें बैठे हुए हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दे आर द प्रीस्ट इन देमसेल्फ। तो ऐसे करके कुछ भी आप बकवास, मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट। तो क्रूशियल एस्पेक्ट, ये जो ऊपर वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला है, ये भी एक तरीके की रिपीटेड थीम है। यूपीएससी ने इसके पहले भी पूछा है कैसे ब्रिटेन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में जो स्पीकर वगैरह हैं ये कैसे डिफरेंट हैं, ये चीज़ पहले आई है। अब वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया पार्लियामेंट्री सोवेनिटी करके, और ये क्वेश्चन यहाँ अलग से दे दिया कि चलो स्टेट लेजिस्लेचर में बता दो, अगली बार ये चीज़ कहीं और से पूछ देगा। वही दो चार कीवर्ड पे यूपीएससी घुमाता रहता है हर साल। इसके अलावा क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस हैज़ बीन इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है कि मतलब हमने इनको ध्यान नहीं दिया HRD को। अब HRD के अंदर मेनली आपका हेल्थ आ जाएगा, आपका एजुकेशन आ जाएगा, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो पीपुड़ी बस्ती रहती है वो आ जाएगी, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आ जाएंगे। और अगर किसी ने पबेड ऑप्शनल दे रखा है तो, और अगर आप पबेडपीडिया मैगजीन फॉलो करते हैं सेल्फ प्रमोशन हैशटैग, तो अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आपको पता होगा HRD इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जैसे प्राइवेट सेक्टर में सुना होगा HR है HR है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो जो ब्यूरोक्रेसी में होती है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में, तो उनके ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया। उनको एज अ माई बाप कल्चर और ये सब हम चलाते रहे तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो उसके भी जो चीज़ें की जा रही हैं वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 10 मार्कर में। तो आप इसको हेल्थ, एजुकेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब चीज़ों में घुमा के लिख सकते हो। और कैसे इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होंगी वो यही सारी होंगी कि हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एजुकेशन में स्किल नहीं है, और एम्प्लॉयबिलिटी में स्किल गैप रिपोर्ट कहती है कि कोई काम के नहीं है इंजीनियर्स। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप कोट कर सकते हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में R&D पे खर्च नहीं होता, 0.7% है, ऐसे करके आप ये चीज़ कह सकते हो। प्लस यू कैन टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, और यू कैन टॉक अबाउट कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप ऐसे कुछ भी बकवास लिख सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है इन कंटेनिंग दिस MNC। तो अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका है, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके अंदर ये सब न्यूज़ में कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो वो चीज़ लिख सकते हो। अदरवाइज सिंपली कंपटीशन कमीशन है क्या उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये एंटी मोनोपोली या एंटी जो कंपटीशन प्रमोशन बॉडी है इन इंडिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, स्टैचुडरी बॉडी है, और कंपटीशन कमीशन जो है वो कंपनी एक्ट वगैरह से आया हुआ है। इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फॉलोड बाई के इसका क्या रोल होता है MNC के ये सब चीज़ करने में। अगर सिंपली अगर याद है इसका स्पेसिफिक तो वो लिख दो, अदरवाइज जेनरिक कंटेंट में यू कैन टॉक अबाउट कि भाई कैसे एक ही रेगुलेटरी बॉडी है तो MNC को रेगुलेट करेगी। दूसरा पॉइंट ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, क्योंकि MNC को रेगुलेट कर रही है तो किसको प्रोटेक्ट करेगी, जो हमारे ट्रेडिशनल या जो हमारे लोकल वाले मर्चेंट्स हैं, जैसे अभी ONDC वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, या जो भी FTA वगैरह साइन कर दें तो बाहर से MNC सबको बाई और बरी ना कर दें, बाई एंड बरी है ना उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, FB वगैरह और बड़े बड़े जो MNCs हैं उनकी, Amazon वगैरह की, फ्लिपकार्ट ने जो वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट ले लिया, तो बाई और बरी की स्ट्रेटजी ना लगा दें। तो इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिशनल चीज़ों को, MSME को और स्टार्टअप्स को बचाने के लिए जो काम करता है वो भी यहाँ पे कंपटीशन कमीशन करता है। और बाकी स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस, और कैसे ये क्रिटिकल टूल है ऑफ गवर्नेंस, हैज अशर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एनहेंसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव लिखने हैं और इधर इसकी निगेटिव लिखनी है। ई गवर्नेंस क्या है, इंट्रोड्यूस कर देंगे। सेकेंड, ERC ने बोला है ई गवर्नेंस इज स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट मतलब सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, इसको यूज़ कर देंगे, बना देंगे डायग्राम अगर इच्छा करे तो। और फॉलोड बाई इसके पॉजिटिव एग्जांपल के कैसे ये गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसे ये इफेक्टिवनेस ला रही है, ट्रांसपेरेंसी ला रही है, अकाउंटेबिलिटी ला रही है। इफेक्टिवनेस में यू कैन टॉक अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट स्कीम्स जो यहाँ पे डिजिटली हो रही हैं, PM किसान वगैरह, यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स जहाँ पे ई गवर्नेंस का यूज हो रहा है। यू कैन टॉक अबाउट PM जो प्रणाम प्रोजेक्ट है, प्रणाम योजना, प्रणाम में क्या है, ई प्रणाम है ना, यहाँ पे क्या है कि
ई प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड एज को जो सर्टिफिकेट वगैरह लेने होते थे कि अभी हम जिंदा हैं, वो चीज़ यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है। और ट्रांसपेरेंसी में यू कैन टॉक अबाउट आरटीआई, यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स ने आरटीआई को, आरटीआई के अंदर एक तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये सब की वो प्रोविज़न कर रखे हैं। और ट्रांसपेरेंसी में यू कैन टॉक अबाउट हेल्पलाइन और जो भी ट्रांसपेरेंसी डिजिटल वाले जो भी चीज़ें हैं। यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट इनिशिएटिव जैसे प्रगति स्कीम है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसने एक तरीके से इसमें क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पीएम जो हैं वो पीएम जो हैं वो क्या करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनके साथ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह के साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करके देखते हैं कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी इसमें माई जीओवी वगैरह कुछ भी लिख दो। अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, सो यू कैन टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल ओवर हेयर एज वेल कि भाई ठीक है, एमजी नरेगा में जियो टैगिंग, AIML जो भी है सब कुछ ई गवर्नेंस है। एंड देन व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बताऊंगा, 101वीं बार बता रहा हूँ कि डिजिटल जब भी एस्पेक्ट आएगा तो डिजिटल में हमेशा पीडीएफ की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। पीडीएफ में पी फॉर प्राइवेसी, अगर सिटीजन है तो उनकी प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी, और डी फॉर उसका हमेशा डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम आ जाएगा। डिजिटल डिवाइड में रूरल डिवाइड, अर्बन डिवाइड और जेंडर डिवाइड, क्योंकि आपको रीज़न पता है, अर्बन में ज़्यादा इंटरनेट होगा, रूरल में कम इंटरनेट होगा, मेल के पास ज़्यादा एक्सेस है, फीमेल के पास कम एक्सेस है, तो ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। प्लस यहाँ पे प्राइवेसी का इशू रहेगा क्योंकि ये डेटा कहीं तो जा रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो डेटा जब न्यू ऑयल है तो अगर उसका कहीं पे मिसयूज़ होगा तो वो गलत है। अगर यही चीज़ डेटा ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो जाए तो डेटा ऑफ गवर्नमेंट की जब बात होगी तो यू कैन टॉक अबाउट, तब तो गवर्नमेंट की कोई प्राइवेसी नहीं होती है, तब होती है डिजिटल सोवेरनिटी, ठीक है। तो सोवेरनिटी खतरे में है, तो संप्रभुता भारत की खतरे में, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम इस तरीके की डिजिटल डिजिटल की बात करके गेम खेल जाएंगे। प्लस यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है डेटा वगैरह है तो वहाँ पे वो चीज़ रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टॉक अबाउट अदर स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा कि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लोग उसको लेना यूज़ नहीं करना चाह रहे। इसके अलावा आ जाएगा लैंग्वेज का इशू, अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो भाषा बड़ी कठिन है, अंग्रेजी भाषा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। एंड देन यू कैन कंक्लूड ऑन द पॉजिटिव नोट कि भाई ई गवर्नेंस को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कैसे करने की ज़रूरत है उसमें फिर ई गवर्नेंस में यू कैन टॉक अबाउट सम रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, क्योंकि चैलेंजेस की जब बात करोगे तो चैलेंजेस जब भी आएँ तो बस गांठ बांध लो, चैलेंज लिखोगे तो सॉल्यूशन भी लिखने हैं, अदरवाइज आंसर निगेटिव टोन पे एंड हो जाएगा, है ना, इस वजह से। तो दिस इज़ इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शंस फंक्शनिंग ऑफ SCO। सिंपल है, SCO का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कब बना था, 2001 में बना था कि नहीं बना था, ऐसा कुछ आपको पता रहना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करना है। प्लस इसके बाद अगर डायग्राम का शौक है, अगर नहीं है तो ऐसा फ्लो चार्ट बना दो कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, अदरवाइज नो इशूज़। आप सिंपली SCO का ऑरिजिन और इसका बेसिक कि क्या है ये, क्या ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। तो पहले वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद इंडिया का रोल के इसको कैसे इसने रिड्यूस किया है। वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट के अंदर वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कैसे अलग अलग कन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पे SCO के अंदर। तो SCO के अंदर कन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि SCO में मेंबर देखो पहले कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें देखो, इनके इश्यूज़ देखो, ये तो हो गया नाउन। नाउन क्या होता है, पहले नाउन स्टेक होल्डर खोलेंगे, नाउन इज़ द पर्सन, तो पर्सन यानी कंट्री, तो कंट्री में इश्यूज़ हैं। फिर प्लेस, इनकी जो प्लेसेस हैं उस पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि भाई वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट कहाँ है, जैसे जिनजियांग प्रोविंसेस और वो सब में चाइना के इशू वगैरह वगैरह। प्लस यहाँ पे कुछ भी प्लेस जो है वो थोड़ी सी इशू वाली है क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह का है, और फिर वहाँ पे फिर अलग अलग ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, तो कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं रहते हैं, उस वजह से फिर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको अपोज कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी में आपको पता ही कैसे चलता है। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू आपका जो थिंग्स हैं, थिंग्स मतलब यहाँ पे जो चीज़ें ये डिस्कस करते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग बोलते हैं, ये बनाते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस पे काम करते हैं, ओके वेल एंड गुड कि हाँ ठीक है, हम लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे, ठीक है, ये इनका मोटिव है। लेकिन फिर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टेररिज्म, तो चाइना कह देता है कि भैया टेररिज्म इज़ जो जिनजियांग प्रोविंसेस में उईघुर मुस्लिम्स हैं, उईघुर
ठीक है, ये वाले जो मुस्लिम हैं यही टेररिज्म है। जबकि फिर इंडिया से पूछा जाता है व्हाट इज टेररिज्म एज पर यू, तो ये कहेंगे कि नहीं भैया जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो टेररिज्म है। तो प्रॉब्लम इज कि टेररिज्म की जब मीनिंग डेफिनेशन वही क्लियर नहीं है, तो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ कर देंगे और इसकी वजह से इसके फंक्शनिंग में इशू आते हैं। प्लस फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्टल अगर खोलना चाहो तो खोल दो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेके कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर यूरेनियम है, यूरेनियम वगैरह ये सब मिलता है, फिर उसको लेके उसकी कंट्रोल को लेके, और एक और मेनली इसमें जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसके अंदर वो जो कन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, ये एक वॉर जोन है बिटवीन USSR एंड रशिया, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जोन की तरह काम करता है। तो ऐसे करके दो चार पांच बातें लिख सकते हैं। और देन रोल ऑफ इंडिया, तो रोल ऑफ इंडिया अगेन पेस्टल खोल देंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल लीगल, ठीक है। पॉलिटिकली में इंडिया जो है, अगर वासुदेव कुटुंबकम की भाषा भावना से चलते हैं, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, तो एक तरीके से ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। सीओ मतलब ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग दिस, बट आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया जो है एक तरीके से पॉलिटिकल तरीके से इंडिया की जो पॉलिसीज़ होती हैं नाइबरहुड फर्स्ट वगैरह वगैरह, तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन टॉक अबाउट कि पॉलिटिकल रोल है इंडिया का कहीं ना कहीं। और इकोनॉमिकली यू कैन टॉक अबाउट कि अलग अलग जो तापी पाइपलाइन हो गया, या इसके अलावा जो भी मतलब डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इंडिया के, इंडिया का जो वो हाईवे हाईवे जो भी इधर चल रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाबहार पोर्ट के आगे जो कैस्पियन सी से रशिया तक ले जा रहे हैं वो हो गया, या इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग जो रहता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट इंडियाज़ रोल इन मिटिगेटिंग द कन्फ्लिक्ट, ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे टेररिज्म वगैरह पे इंडिया एकदम खुल के बोलते हैं, इंडियन इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चीज़। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो। देन इंडियन डायस्पोरा इज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, अब यहाँ पे वेस्ट में न्यू हाइट्स पे पहुँच गए हैं। बस पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायस्पोरा के पेस्टल में खोल दो अलग अलग एडवांटेजेस के, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कैसे डिफरेंट जो MNCs हैं उनके CEOs जो हैं वो कैसे इंडियंस हैं, कैसे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, G20 भी अगर आपने देखी होगी तो ध्यान से तो आपको पता होगा बहुत सारे इंडियंस अलग अलग जगह हैं। वर्ल्ड बैंक में कैसे जो इंडियन ऑरिजिन के जो पर्सन है वो कैसे वर्ल्ड बैंक में रूल कर मतलब एक तरीके से वहाँ के टॉप पोस्ट पे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डायस्पोरा की डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स के कितना वो रेमिटेंस देते हैं और कैसे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रखा है इंडियन डायस्पोरा का थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप पॉलिटिकली वो डायस्पोरा की पॉलिटिकल लॉबिंग और वो सारी चीज़ें खोल सकते हो। स्केल न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, हाँ ठीक है, तो इस न्यू हाइट्स में आप सिंपली कुछ बातें कर सकते हो कि हाँ हाँ देखो स्केल न्यू हाइट्स पे है। देन यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या होता है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स सिंपली ये है कि अगर वहाँ पे लोग हैं तो वो एक तरीके से पॉलिटिकल वोटिंग में पार्ट लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दे कैन लॉबिंग अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट सो दैट इंडियाज़ रिलेशन विद दैट कंट्री कुड बी इम्प्रूव्ड। सो दिस इज द पॉलिटिकल लॉबिंग काइंड ऑफ थिंग, कैसे वो एज अ प्रेशर ग्रुप एज अ थिंग एज अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बेसिकली द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड इंडिया, दिस इज़ वॉट यू नीड टू कोट इन, यू नीड टू यूज़ इन दिस आंसर। तो वो ओवरऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहाँ काम करते हैं। दे आर द मॉडल माइनॉरिटी, मॉडल माइनॉरिटी हैं इंडिया के अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ठीक है माइनॉरिटी, बट दे आर मॉडल माइनॉरिटी के माइनॉरिटी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द नेशन, इस तरीके से आप कह सकते हो। और फिर इकोनॉमिक वाले में यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे वो रेमिटेंस भेजते हैं, कैसे उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है विद इंडिया हेल्प इन FDI, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इंडिया का मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया में कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, कैसे इंडिया में FMCG सेक्टर इंप्रूव कर सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता हैं। तो FDI को प्रमोट करते हैं, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी में रेमिटेंस वाला पॉइंट लिख ही दोगे। इसके अलावा दे आर कमिंग बैक एज वेल, अभी इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज़ बोली थी कि कैसे वापस आ रहे हैं अलग अलग जो स्टार्टअप वगैरह और जो लोग हैं वो आके यहाँ स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन हाउ दे आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक सेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, अगर डिस्कस या क्रिटिकली एनालाइज होता तो हम इसके नेगेटिव भी देखते कि क्या चैलेंज हैं। तो 10 पॉइंट में इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा, बट अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वेटेज दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चैलेंजेस को और वे फॉरवर्ड को। वे फॉरवर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा कि 3 C's में ये सपोर्ट करते हैं, वी नीड 3 C's और 3 C's आर नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। तो पहला जो है वो है कनेक्ट,
वी नीड टू कनेक्ट द डायस्पोरा विद इंडिया. एक हो जाएगा कि कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड देन द लास्ट वन इज द आइडिया ऑफ कनेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूट और सेलिब्रेट. वी नीड टू सेलिब्रेट दिस दिस डायस्पोरा, दिस डायवर्सिटी, दिस मॉडल. मॉडल क्या था? मॉडल माइनॉरिटी. ठीक है, तो इस तरीके से कीवर्ड एनालिसिस और कीवर्ड से खेल सकते हो. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिविंग इंस्ट्रूमेंट है. अगर अच्छे से PYQ देखोगे तो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमें क्या अमेंड करने की ज़रूरत है, यस और नो, मतलब डू यू एग्री. तो जब यस लिख रहे होगे तो लिख रहे होगे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये कमी वो कमी वो कमी. लेकिन जब नो लिख रहे होगे इस वाले क्वेश्चन का, इस 1980s या कभी ये आया हुआ है, आई कांट रिकलेक्ट दैट ईयर और मैंने उसको देखने की कोई जद्दोजहद भी नहीं की, बस आप देखोगे तो ये आया हुआ है. जब नो लिख रहे होगे कि नहीं ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो आप यही कहोगे कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो एक तरीके से इसे ज़िंदा रखे हुए हैं, ये डायनेमिक है, जैसा कि नेहरू और अम्बेडकर वगैरह लोग कहते थे. तो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो वाला क्वेश्चन PYQ का किया होगा कि यहाँ पे नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो नो में जो चीज़ें कह रहे होगे कि भाई हम ऑलरेडी अमेंड कर ही रहे हैं, हम ऑलरेडी 103, 104 अमेंडमेंट जो भी हम कर चुके हैं, एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट इवन से बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, और इस तरीके की चीज़ें. ऊपर से जुडिशियरी जो है वो अलग अलग जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल मतलब एक्टिविज्म के थ्रू चीज़ें करती ही रहती है ना, या रूल्स एंड रेगुलेशन में ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से करती ही रहती है, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने इनोवेशन करते ही रहते हैं. तो ओवरऑल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करता था इट इज़ ऑल्सो देयर. तो इस तरीके से हम इसको उसी नो वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिपीट करना है. तो दिस शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQ. ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में लगभग अभी तक 11 में से 4-5 PYQ देख लिए हैं, वो अलग अलग फॉर्म में रिपीट हुए हैं. तो ऐसा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस बताता है क्योंकि डायस्पोरा सिलेबस में लिखा है. अगर आपने सिंपली सिलेबस में डायस्पोरा के ऊपर प्रोज और कॉन्स पढ़े रखे हैं तो आप इसको भी कर सकते हो. एक आध थोड़ा करंट अफेयर का होता है SEO टाइप का. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रीड द थिंग्स. देन क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द केस लॉज. तो यहाँ पे बात करनी है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की और फिर करनी है केस लॉज की. तो जेंडर जस्टिस में इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिख दो, कोई भी कोट लिख दो कि पैरामीटर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन इज द प्रोग्रेस ऑफ द वीमेन, इट इज़ द बैरोमीटर, अम्बेडकर ने बोला था, ऐसे ही गांधी ने बोला था, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फिर बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव की, खोलते चले जाओ अलग अलग डायमेंशन में. FR में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, तो आपको मिलेगा 15 के अंदर जो 15(3) वगैरह के जो वो आपके एक्सेप्शंस हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट वीमेन. अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल 15 टॉकिंग अबाउट के रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सेक्स इज कमिंग. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 16, वहाँ पे भी इस तरीके की RRCSP वाली बात है, तो अगेन कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे भी है, तो 15-16 मतलब इक्वलिटी वाले पॉइंट में हो गया कहीं ना कहीं आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट द अदर आर्टिकल्स, अगर आप यहाँ पे FDs की बात करोगे तो यहाँ पे एक वो वाली FD है कि टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, वो जो FD है दैट यू कैन यूज एज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ये सब एक डायग्राम में बनाना है, अलग अलग से नहीं करना है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टॉक अबाउट DPSP, तो DPSP के अंदर ऑल्सो यू विल फाइंड द स्पेसिफिक DPSP जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इसी की बात कर रही है इनडायरेक्टली. अपार्ट फ्रॉम दैट मैटर्निटी बेनिफिट अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल में है ये कमेंट सेक्शन में बताओगे. इधर वाला जो आर्टिकल है ये आप यहाँ पे यूज़ करोगे 42, सो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जेंडर जस्टिस. और इसके अलावा जो भी कोई आर्टिकल याद आ रहा हो वो सब लिख देना, प्लस अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट DPSP और ये सब चीज़ें, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो भी जस्टिस की बात करती है. देन यू कैन टॉक अबाउट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन है टू द वुमेन, अगेन दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस. और इसके बाद आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट, ये तो हो गया. इसके बाद केस लॉज, केस लॉज वाली हेडिंग डालोगे, अलग अलग केस लॉज लिखोगे, तो हादिया केस हुआ है. ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि मैरी, राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू मैरी टू द पर्सन ऑफ द चॉइस, वो जो चीज़ है दैट इज़ क्रिएटिंग द काइंड ऑफ जेंडर जस्टिस.
दूसरा पॉइंट यू कैन टॉक अबाउट के जो भी एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है, सो दैट पॉइंट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ इवन से जेंडर जस्टिस, क्योंकि वहाँ पे इक्वेलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आई है उस जजमेंट के बाद. सो यू कैन मैंशन दैट जोसफ सिन जजमेंट है, जो ही जो जोसफ सिन ऐसा ही है नहीं, ठीक है, तो जोसफ सिन जजमेंट हो गया, हादिया जजमेंट हो गया, फिर हादिया में गए हो तो सावानो वगैरह की भी बात कर ही लो, ठीक है, तो ये सारी बात करोगे. उसके बाद फिर और भी कोई रिलीजन की बात, सबरीमाला वाली जजमेंट की बात कर दो, फिर और थोड़ा रिलीजन, किसी और रिलीजन में जाओ, दरगाह एंट्री वो न्यूज़ में चल रहा था, फिर और कोई रिलीजन में और किसी पॉइंट में जाओ, विशाखा गाइडलाइन याद आ जाएगी, पोस्ट की बात कर लो, ठीक है, पोस्ट वाली जो विशाखा गाइडलाइन पहले आई थी उस विशाखा गाइडलाइन की बात कर सकते हो, एंड देन मैं बस ठीक है, प्लस उसमें थोड़े से अलग चीज़ें हो जाएंगी. तो इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट जेंडर जस्टिस, इनफ कंटेंट इज देयर, जस्ट ट्राई टू राइट द थिंग्स, ब्रेन स्टॉर्म इट एंड यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर, एंड देन अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ यूजिंग 356 बाई द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट सिंस 1990s. तो यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं रिड्यूस फ्रिक्वेंसी 356 जो है, आर्टिकल 356 यूनियन गवर्नमेंट क्यों यहाँ से मिड 90s के बाद कम हो गया, तो इसके अलग अलग फैक्टर्स हो जाएंगे. पहली बात, ये बढ़ा कब था? बढ़ा था जब कोएलिशन गवर्नमेंट आई थी तब बढ़ा था. ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के एरा में बढ़ा था, अब ये याद नहीं है कि पबेड ऑप्शनल में आया है या GS2 में आया, बट ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे पोस्ट 1967 जो गवर्नर का रोल है वो कैसे चेंज हो गया, क्योंकि उसी टाइम पे आई थी कोएलिशन गवर्नमेंट, तो अब 1990 में कैसे वो कम हो गया, इसी वजह से, क्योंकि 1990 के बाद तुरंत बाद तो वहाँ थोड़ा बढ़ा था, लेकिन फिर ओवरऑल हमने देखा कि 90 थोड़े टाइम के बाद मिड 90s लिखा है, ठीक है, अगेन सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, मिड 90s लिखा है, तो इट्स शोज़ कि भाई जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था 1998 के आसपास के बाद का, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट उस टाइम से लगभग ऑलमोस्ट चलती चली आ रही है, इफ़ यू रिकॉल वो लाइन से एकदम स्टेट चलती चली आ रही, तो इस वजह से वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वाला पॉइंट हो गया, प्लस वहाँ पे आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीके के फेडरलिज्म डेवलप हो गए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और ये सब दे रखा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है कंट्री का आफ्टर 1990s, क्यों, क्योंकि LPG रिफॉर्म्स आए. ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेस्टल खोल रहा हूँ, बस पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अंदर क्या है, इकोनॉमिक के अंदर बिकॉज ऑफ LPG रिफॉर्म्स कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनमें डेवलपमेंट हुआ, एग्रेरियन जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी वजह से जब इकोनॉमिक डिप्रिवेशन नहीं होगा तो पॉलिटिसाइजेशन भी नहीं होगा, है ना, तो इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट द थिंग्स, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, कैसे मतलब इंडिया जो है एज अ कंट्री जो है वो स्ट्रांग हुआ, और जब स्ट्रांग होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और बिहेवियरल आउटकम्स यू कैन टॉक अबाउट, लीडरशिप, ऐसे करके कुछ पॉइंट यू कैन टॉक अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर द वीमेंस इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया. डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो वीमेंस इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर इन इंडिया. तो ये चीज़ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो हैं उनके कैसे उनका रोल है पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन. तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है मेनली, इट मोबिलाइज द पीपल, तो यहाँ पे मोबिलाइज द, क्योंकि यहाँ पे वीमेन रिलेटेड की बात हो रही है, तो इट इज़ मोबिलाइजिंग द वीमेन हु अर्लियर वर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम यू कैन से पॉलिटिकल मूवमेंट्स. तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पे एक तरीके से करता है सिविल सोसाइटी मोबिलाइजर. इसमें मेनली एक ट्रिक है एम सेवा करके, निमोनिक है एम सेवा, ठीक है, एम सेवा का मतलब मोबिलाइजर, सर्विस प्रोवाइडर, एजुकेटर, वॉच डॉग, एजिटेटर और एडवोकेट, एडवोकेसी जो करते हैं, तो इस तरीके के रोल होते हैं, और उन्हीं रोल में कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ इम्प्रूव करी है, प्लस दे आर यूजिंग थ्री टेक्निक्स. एक होती है ये परसुएड करते हैं पॉजिटिवली, एक तो ये फिर कोलेबोरेट कर लेते हैं उन्हीं के साथ जो सिविल सोसाइटी वाले हैं, प्लस ये कभी कभी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, लाइक ये वहाँ पे फिर प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द स्टेट, यहाँ पे कोलेबोरेट विद स्टेट, यहाँ पे परसुएड द स्टेट. तो इस तरीके से थ्री टेक्निक और ये 5, 6, 7 जो पॉइंट है इनको एलेबोरेट करोगे तो यू विल बी एबल टू राइट द गुड आंसर ओवर हेयर, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू वॉट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटेड स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो ठीक है, ये वाला अमेंडमेंट जो है वो GST की बात करता है, PYQ अगेन रिपीट, GST पहले भी आ चुका है, GST के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं वो आपको पता होने चाहिए, और हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन दिस फेडरलिज्म. तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का जो अलग अलग है वो इनमें कॉम्पिटिशन है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो चीज़ है, कैसे वो जो इनवॉइसिंग है, इनवॉइसिंग सिस्टम, ठीक है, ई इनवॉइस वो कैसे प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट,
कैसे ये डेस्टिनेशन बेस्ड है तो कैसे ये हेल्प करेगा जो क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है और ये टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कैसे ये सपोर्ट करेगा, कैसे ये एक एकोमोडेटिव क्रीडेंशियल शो करता है जब ये चीज़ कंपनसेशन देने का काम करती है, ऐसा ही नहीं है कि सीधा लगा दिया। कैसे ये एकोमोडेटिव क्रीडेंशियल शो करता है जब इसके अंदर 5, 18, 28 जो भी इसके प्रोविज़न है जब ये लगाता है तो भी ये कैसे एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, कैसे ये स्टेट को ही रिस्पेक्ट करता है जब ये सब कुछ उसमें ला लेता है एक्सेप्ट पेट्रोल सॉरी एक्सेप्ट द दिस दारू थिंग ओके। सो जब ये अल्कोहल को छोड़ देता है तो ये और ये पेट्रोल प्रोडक्ट वगैरह को छोड़ देता है तो ओवरऑल इट इज़ हेल्पिंग द स्टेट इन इनडायरेक्ट मैनर। तो कहीं ना कहीं ये एकोमोडेटिव स्पिरिट को दिखा रहा है, तो एकोमोडेटिव स्पिरिट में यही सारी चीज़ें हैं। कैसे जीएसटी काउंसिल जो बनी भी है वो कैसे हेल्प करती है आपके एकोमोडेटिव स्पिरिट को, कैसे उसमें 2/3 रिप्रेजेंटेशन या 2/3 वोट चाहिए स्टेट का और 1/3 चाहिए सेंटर का, तो कहाँ 2/3 कहाँ 1/3, अगेन ये चीज़ शो कर रही है आपका कोऑपरेशन और एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ओवरऑल इट इज़ क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फिस्कल फेडरलिज्म, इस तरीके से कर देंगे। हाउएवर यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लेन की बात की गई है तो टू वॉट एक्सटेंट तो इसकी जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो यू कैन टॉक अबाउट सम निगेटिव एलिमेंट्स एज वेल, कि कैसे यहाँ पे जो कोविड का टाइम था वहाँ क्या किया गया निगेटिव में, यू कैन टॉक अबाउट जीएसटी कंपनसेशन में डिलेज, यू कैन टॉक अबाउट अदर निगेटिव एस्पेक्ट कि कैसे उसने रिवेन्यू कम कर दिया, कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड के चक्कर में जो अच्छी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट थी उनको कैसे उसने नुकसान करवा दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट यू कैन मैंशन, बट एट द सेम टाइम यू कैन टॉक अबाउट पॉजिटिव एज वेल। तो वो जीएसटी वाला जो क्वेश्चन है या तो आया हुआ है या कहीं मैगजीन में पढ़ा होगा, बट अल्टीमेटली इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हो गए, कायदे में मुझे 20 क्वेश्चन करने चाहिए लेकिन मैं 15 ही क्वेश्चन करूँगा क्योंकि इट विल डिपेंड आगे के 5 क्वेश्चन प्लस GS1 जो होगा वो आपके वोटिंग के आधार पर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे के 5 क्वेश्चन प्लस GS1 का एनालिसिस आएगा, अदरवाइज आप 15 क्वेश्चन देख के इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर सकते हो। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।